बिकनी देखकर लड़कियों का करता है शिकार, भारत सहित दुनिया की कोई भी जेल इसे नहीं कैद कर पाई। 20 से ज्यादा लड़कियों की हत्या की, जिस वकील ने मुकदमा लड़ा उसकी बेटी से जेल में ही शादी कर ली। 12 मुल्कों की पुलिस घूमती है इसके पीछे। 19 साल बाद लौट कर आ रहा है बिकनी किलर चार्ल्स सोबराज। पहले वो कार और बाइक की चोरी करता था, इसके बाद वो बिकनी वाली खूबसूरत लड़कियों का शिकार करने लगा। भारत, नेपाल, थाईलैंड सहित दुनिया के कई देशों में घूमता रहा और बिकनी वाली लड़कियों का शिकार करता रहा। दुनिया की जिस जेल ने इसे कैद करने की कोशिश की, जब मनचाहा वहां से निकलकर भाग जाता था। यहां तक कि भारत की सबसे खतरनाक और सुरक्षित तिहाड़ जेल भी इसे कैद करके नहीं रख पाई। जो वकील इसे बचाने के लिए मुकदमा लड़ रहा था, उसकी 20 साल की लड़की से जेल के अंदर ही इसने शादी कर ली। ये कहानी दुनिया के सबसे खतरनाक बिकनी किलर चार्ल्स सोबराज की है। 19 साल बाद एक बार फिर से दुनिया का ये सबसे खतरनाक सीरियल किलर जेल से निकलकर बाहर आ रहा है। चार्ल्स के पिता भारत के थे, लेकिन माँ वियतनाम की रहने वाली थी। चार्ल्स सोबराज के माता पिता ने शादी नहीं की थी। जब चार्ल्स पैदा हुआ तो दोनों अलग रहने लगे। चार्ल्स जब थोड़ा बड़ा हुआ तो कार और बाइक की चोरी करने लगा था। दुनिया का ये पहला ऐसा इंसान है जिसने 20 से ज्यादा लड़कियों को मारने के बाद भी अपनी जिंदगी हमेशा ऐशो आराम से जीता रहा। चार्ल्स ज्यादातर विदेशी लड़कियों को अपना शिकार बनाता था, लड़कियों से बहुत ही आसानी से दोस्ती करता, इसके बाद ड्रग्स या फिर नशीली दवाई खिलाता था। मौत के घाट उतारने से पहले चार्ल्स उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, फिर मार देता था। 12 से ज्यादा देशों में इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। 1971 में चार्ल्स सोबराज ग्रीस की रोड्स पुलिस स्टेशन की छत से कूदकर भाग गया था। वहां से भागकर सीधा हिंदुस्तान आया था। 1972 में इसे अफगानिस्तान के अंदर काबुल की जेल में बंद किया गया। जेल के पहरेदार को नशीला पदार्थ खिलाकर वहां से भाग गया। 1975 में एक बार फिर से चार्ल्स सोबराज को ग्रीस पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन वहां से समंदर के बीच में बनी जेल से भी चार्ल्स सोबराज भाग निकल गया। ठीक इसी तरह से हिंदुस्तान की तिहाड़ जेल से भी ये पुलिस वालों को नशे वाले लड्डू खिलाकर भाग गया था। बाद में इसे गोवा से पकड़ा गया था। आखिरी बार जब इसे 2003 में नेपाल की जेल में बंद किया गया था, तो जो वकील इसके लिए मुकदमा लड़ रहा था, उसकी बेटी से प्यार करके अपने से 40 साल छोटी निहिता विश्वास के साथ शादी कर ली थी। निहिता विश्वास को बिग बॉस 5 में भी बुलाया गया था। निहिता विश्वास उस समय सिर्फ 21 साल की थी और चार्ल्स सोबराज उससे दोगुनी उम्र का था। सीरियल किलर से शादी करने की वजह से निहिता विश्वास फेमस हो गई थी। हालांकि निहिता विश्वास अभी कहां है, इसके बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं। कहते चार्ल्स सोबराज ने जितनी भी लड़कियों को मौत के घाट उतारा, सभी की लाश बिकनी में मिलती थी, जिसकी वजह से इसका नाम बिकनी किलर पड़ गया। ये तो सिर्फ एक अनुमान है कि इसने सिर्फ 20 को ही अपना शिकार बनाया, लेकिन दावा किया जाता है कि सोबराज ने 100 से ज्यादा महिला और लड़कियों को शिकार बनाया है। 19 साल की सजा काटने के बाद नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे छोड़ने के लिए आदेश दिया है। चार्ल्स के बाहर आने के साथ ही कई देश फिर से डर गए हैं। कुछ लोगों का कहना कि इसे हमेशा के लिए जेल में ही रहना चाहिए, लेकिन आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। योगी यू के लिए रिपोर्ट।